रुक जा, दिखा तो तुझे ऐसे क्या शादी करेगा इसकी, गाना लगा देंगे। ले ये है हॉर्स की फीमेल है, हॉर्स की फीमेल। इसका एंटीरियर है, एंटीरियर सरफेस, इसका मीडियल सरफेस, ये लेटरल सरफेस और पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस। तो अभी हम पहले इसको एंटीरियरली हम देखते हैं आगे की तरफ से। तो ये इसका लेटरल बॉर्डर जो है, इसके लेटरल बॉर्डर पे ये प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रोकेंटर, या फिर इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है ट्रोकेंटर टर्शियस। ये किसके लिए अटैचमेंट देता है, ये अटैचमेंट देता है सुपरफिशियल ग्लूटियस मसल को, ठीक है। और ये इसमें हॉर्स के केस में एक डिफरेंस है, जैसे कि हमने ऑक्स में बताया था कि एक ट्रोकेंट्रिक रिज है जो ट्रोकेंटा मेजर को ट्रोकेंटा माइनर से कनेक्ट करती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो ट्रोकेंट्रिक रिज है वो ट्रोकेंटा मेजर को ट्रोकेंटा माइनर से नहीं कनेक्ट करती, जबकि और हमने ऑक्स केस में पढ़ा था ट्रोकेंट्रिक रिज ऑब्लिकली थी, ऐसे करके कनेक्ट कर रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ट्रोकेंट्रिक रिज एकदम वर्टिकल है और ये ट्रोकेंटा मेजर को ट्रोकेंटा माइनर से नहीं कनेक्ट कर रही, ठीक है। अब इसमें जो है ट्रोकेंटा मेजर, ट्रोकेंटा मेजर के दो पार्ट्स होते हैं। अगर हम एंटीरियर पार्ट देखें इसका, तो एंटीरियर पार्ट कॉन्वेक्स टाइप का, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी। और जबकि पोस्टीरियर पार्ट देखा जाए तो पोस्टीरियर पार्ट एक रेज्ड सा एरिया है, तो उसे हम बोलेंगे समिट, ठीक है। अब फोविया कैपिटिस की अगर बात करें, तो फोविया कैपिटिस उसमें एक हल्का सा स्मॉल जस्ट रफ एरिया था, लेकिन जैसे इसमें देखते हैं तो इसमें एक मच डीपर टाइप का सा है। उसमें अगर हम ऑक्स केस में बात करें तो वो सिर्फ राउंड लिगामेंट के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता था, लेकिन इसमें राउंड और एसेसरी दोनों लिगामेंट्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि इसमें सुप्रा कॉन्डिलाइट फोसा हमें देखें, उसमें जिस जैसे एक बहुत मामूली सा था, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा डीपर है, मतलब शैलो था, इसमें डीपर है, इसमें काफ़ी डीपर है। ओके।